प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत के चित्रकूटम का अध्ययन करते हैं। छात्रों, चित्रकूट मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक नगर है, धार्मिक शहर है। यहीं पर भगवान रामचंद्र वनवास के समय में रुके थे, तो इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेशस्य सतना मंडले विंध्य पर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अति रमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक अति रमणीय बहुत सुंदर विस्तृते अर्थात फैले हुए विस्तृत क्षेत्र में तीर्थस्थलम तीर्थस्थान चित्रकूटम स्थितम अस्ति। वाक्य का अर्थ बनेगा, मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में प्राकृतिक बहुत सुंदर फैले हुए क्षेत्र में तीर्थ स्थान चित्रकूट स्थित है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम स्थलम अस्ति। यह स्थान नगर के शोर शराबे से दूर, नगर के कोलाहल से दूर प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न स्थल है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजताया आनंदानुभूति जायते। यहाँ आने से, अत्र यानि यहाँ, आगमनेन यानि आने से, दर्शनेन च और दर्शन करने से सहजतया अर्थात सरलता से आनंदानुभूति जायते, आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में घने जंगल हैं। सघनानि अर्थात घने, वनानि यानि वन या जंगल, सन्ति यानि हैं। चित्रकूट में घने जंगल हैं। अत्र कलकलनाद पूरितः निर्झरा अपि वर्तन्ते। यहाँ कलकल की आवाज़ से पूर्ण झरने भी हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते, सभी जगह हरियाली शोभा देती है। चित्रकूटस्य धार्मिकं सांस्कृतिकं नैसर्गिकं अपि महत्त्वं विद्यते। चित्रकूट का धार्मिक सांस्कृतिक प्राकृतिक महत्व भी है। कथ्यते यत् कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र ने वनवास काले वनवास के समय में सीता लक्ष्मणाभ्याम से सीता और लक्ष्मण के साथ में एकादश वर्षाणी यावत एक 11 वर्षों तक यही चित्रकूटे एव निवासम कृतवान, यही चित्रकूट में ही निवास किया था। महर्षि अत्री साध्वी अनसुईया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलवेताम। महर्षि अत्री और साध्वी अनसुईया ने यहीं पर तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। जनश्रुति अनुसारम, जनश्रुति के अनुसार, जनसंवाद के अनुसार, सुनी गई बातों के अनुसार अत्रैव अनसुईया, यहीं पर अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेशा नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वतपसा अपनी तपस्या से बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती, बच्चों के रूप में दर्शन किया था, बच्चों के रूप में साक्षात्कार किया था। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेक
दर्शनीय स्थल हैं। यथा अर्थात जैसे, संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा, मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में प्राकृतिक बहुत सुंदर विस्तृत क्षेत्र में तीर्थ स्थान चित्रकूट स्थित है। यह स्थल नगर के कोलाहल से दूर प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। यहाँ आने से और दर्शन से सरलता से आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूट में घने जंगल हैं, यहाँ कलकल की आवाज़ से पूर्ण झरने भी हैं। सभी जगह हरियाली शोभा देती है। चित्रकूट का धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक महत्व भी है। कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र ने वनवास के समय में सीता और लक्ष्मण के साथ में 11 वर्षों तक यहीं चित्रकूट में ही निवास किया था। महर्षि अत्रि और साध्वी अनसुईया ने यहीं तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। जनश्रुति के अनुसार यहीं अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अपनी तपस्या से बालक के रूप में साक्षात्कार किया था। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे रामघट्टा, मंदाकिन्या तटे रामघट्टा अस्ति। मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट है। अयम अतीव रमणीय घट्टा, यह बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधु नाम, महात्मा नाम, तीर्थयात्री नाम च प्रायः संवर्धा भवति। यहाँ साधुओं की, महात्माओं की और तीर्थयात्रियों की अधिकतर भीड़ होती है। सूर्योदयात सूर्यास्तम, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मंत्रोच्चारण, मंत्रों के उच्चारण से वातावरणम गुंजायतुम भवति, वातावरण गूंजता रहता है। संध्या काले नीराजन समये मनोरम दृश्यम भवति। शाम के समय, आरती के समय, नीराजन अर्थात आरती के समय में सुंदर दृश्य होता है। अत्र नौका विहारस्य आनंदः अपि यात्रिभि लभ्यते, यहाँ नौका विहार का आनंद भी यात्री प्राप्त करते हैं। फिर से पूर्ण पैराग्राफ का अनुवाद करते हैं। मंदाकिनी के तट पर रामघाट है, यह बहुत ही सुंदर घाट है। यहाँ साधुओं की, महात्माओं की और तीर्थयात्रियों की अधिकतर भीड़ होती है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गुंजित होता है। संध्या के समय, आरती के समय सुंदर दृश्य होता है। यहाँ नौका विहार का आनंद भी यात्री प्राप्त करते हैं। कामदगिरी स्थलस्य धार्मिकं महत्वं लोक प्रसिद्धम्। कामदगिरी स्थान का धार्मिक महत्व जगत में प्रसिद्ध है। एतत् स्थलं हरितिमाच्छादितम् अस्ति, यह स्थान हरियाली से ढका हुआ है। अत्र श्रद्धालवा, यहाँ श्रद्धालु भगवता रामस्य प्रतीक स्वरूपम, भगवान राम के प्रतीक के रूप में चरण चिन्हम पूजयन्ति, पैरों के चिन्हों को पूजते हैं। यह स्थान हरियाली से ढका हुआ है। यहाँ श्रद्धालु भगवान राम के प्रतीक के रूप में पैरों के चिन्हों को पूजते हैं। मान्यता अस्ति, मान्यता है कि भरतः अयोध्यावासी सह, भरत ने अयोध्यावासियों के साथ में रामम पुनः अयोध्या आने तुम, राम को दोबारा अयोध्या ले जाने के लिए अत्र प्रार्थितवान, यहीं पर प्रार्थना की थी। मान्यता है कि भरत ने अयोध्यावासियों के साथ में राम को पुनः अयोध्या लाने के लिए यहीं पर प्रार्थना की थी।
अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति, यही पास में भरत मिलाप मंदिर है। कामदगृह प्रदक्षिणा जनह क्रियते, कामदगिरी की परिक्रमा लोगों के द्वारा की जाती है या लोग करते हैं। पूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा, कामदगिरी स्थान का धार्मिक महत्व जगत में प्रसिद्ध है। यह स्थान हरियाली से ढका हुआ है। यहाँ श्रद्धालु भगवान राम के प्रतीक के रूप में पैरों के चिन्हों को पूजते हैं। मान्यता है कि भरत ने अयोध्या वासियों के साथ में राम को दोबारा अयोध्या लाने के लिए यहीं पर प्रार्थना की थी। यहीं पास में भरत मिलाप मंदिर भी है। कामदगिरी की परिक्रमा लोगों के द्वारा की जाती है। जानकी कुंडम रामघाटात नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति, रामघाट के पास में ही जानकी कुंड है। तत्र नौकाया अपि गंतुम शक्यते, यहाँ नाव से भी जा सकते हैं। अत्र मंदाकिन्या शांतम जलम, यहाँ मंदाकिनि का शांत जल अतीत स्मृति पूरितम इव स्थिरम भाति, पुरानी यादों के समान स्थिर शोभा देता है। यहाँ मंदाकिनि का शांत जल पुरानी यादों के समान शोभा देता है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म, वनवास के समय में सीता यहीं पर स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, इसलिए ही इसका नाम जानकी कुंड यह प्रसिद्ध है। पूर्ण पैराग्राफ इस प्रकार है, रामघाटात नाति दूरम जानकी कुंडम अस्ति, रामघाट से थोड़ी दूर जानकी कुंड है। यहाँ नाव से भी जा सकते हैं। यहाँ मंदाकिनि का शांत जल पुरानी यादों के समान स्थिर है, स्थिर शोभा देता है। वनवास में सीता यहीं स्नान करती थी, इसलिए ही इसका नाम जानकी कुंड यह प्रसिद्ध है। अनुसुया आश्रम, अनुसुया का आश्रम, सघन वन मध्य अनुसुयाश्रमा विद्यते, घने जंगल के बीच में अनुसुया का आश्रम है। अत्र पक्षिणाम कलरवा, यहाँ पक्षियों की चहचहाट निर्झर झरझर ध्वनि, झरनों की झरझर करती हुई आवाज, शीतल वायु चा और ठंडी हवा मनांसी रंजयंती मन को प्रसन्न करती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम एत देव, यही मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेशात्री अनसूयादयः तपस्याम अकुर्वन, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश अत्री और अनसूया ने तपस्या की थी। अनसूया आश्रम, घने जंगल के बीच में अनसूया का आश्रम है। यहाँ पक्षियों का कलरव, झरनों की झरझर करती हुई आवाज़ और शीतल वायु मन को प्रसन्न करती है। मंदाकिनी का उद्गम स्थल यह ही है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अत्री अनसूया आदि ने तपस्या की थी। स्फटिक शिला जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते, जानकी कुंड के पास ही विशाल शिला देखने योग्य है, दर्शनीय है। अत्रैव जयंता काकरूपेण सीताचरणे चंचुप्रहारम कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम, यही जयंत ने अर्थात इंद्र का पुत्र जयंत, जिसने काक का रूप धारण करके, कौए का रूप धारण करके सीता के पैर में चोंच से प्रहार किया था, यह प्रसिद्ध है। तो जानकी कुंड के पास ही विशाल शिला देखने योग्य है। यही जयंत ने कौए के रूप में सीता के पैर में चोंच से प्रहार किया था, यह प्रसिद्ध है। गुप्त गोदावरी चित्रकूटतः पंच क्रोश दूरम नयनाभिरामम
सौंदर्योक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट से 5 कोस दूर नयनाभिरामम अर्थात जहाँ पर नजरें ठहर जाएं, जहाँ पर नजरें रुक जाएं, उसे कहा जाता है नयनाभिराम। नयन जहाँ आँखें ठहर जाएं, जिन आँखों में विराम लग जाए, तो इतना अच्छा सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी का स्थान है। अत्र द्वे नैसर्ग के गुहे स्था, यहाँ पर 2 प्राकृतिक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, यहाँ लगातार जल बहता रहे, हनुमान धारा। अत्र उच्च स्थलात जलम पत्ति, यहाँ ऊंचे स्थान से जल गिरता है, जल प्रपाता। अत्र खलु दृष्टव्या एव, जलप्रपात यहाँ निश्चित ही देखने योग्य है। लंका दहनानांतरम, लंका को जलाने के बाद में रामाज्ञा, राम की आज्ञा से हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, हनुमान ने यहीं पर शीतलता प्राप्त की थी। अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति, इसलिए इसका नाम हनुमान धारा यह प्रसिद्ध है, यह जनश्रुति है। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका दहन की थी तो उनके पूरे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई थी, और उसको उसके निवारण के लिए जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी से पूछा तो रामचंद्र जी ने कहा था कि इस झरने में नहाओ, तो हनुमान जी ने वहीं पर नहाकर स्नान करके शीतलता प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम हनुमान धारा आज भी प्रसिद्ध है, जनश्रुति है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय अंतिम स्थान है चित्रकूट का, ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अत्र राष्ट्र सेवकेन, यहाँ राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुखेन, नानाजी देशमुख के द्वारा ग्रामोद्धार भावनया, ग्रामोद्धार की भावना से नवीन प्रकल्प स्थापिता, नए प्रकल्प स्थापित किए गए। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय साम्प्रतम, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो आजकल साम्प्रतम अर्थात आजकल महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्धा, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इस नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो आजकल महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प अपि वर्तते, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े चिकित्सालय भी है, बहुत बड़ा चिकित्सालय भी है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, कृषि अनुसंधान के कार्यों में भी यहाँ महान प्रगति दिखाई देती है। पूर्ण पैराग्राफ इस प्रकार होगा, यहाँ राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख के द्वारा ग्रामोद्धार की भावना से नवीन प्रकल्प स्थापित किए गए। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो आजकल महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इस नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के प्रकल्प भी हैं, कृषि अनुसंधान कार्यों में भी यहाँ महान प्रगति दिखाई देती है। धन्यवाद छात्रों।